अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत सा पाउच ज्योमेट्री बॉक्स बनाना सिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने जो है ना फैब्रिक को कट कर लिया था स्क्वायर की शेप में, सॉरी रेक्टेंगल की शेप में। देन फिर मैंने उसके ऊपर बीच में से कट कर दिया था और फिर उसके ऊपर मैं इस तरह पाइपिंग लगा रही थी पिंक कलर की। वाइट कलर की हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स बना रहे हैं, उसके ऊपर मैंने इस तरह पिंक कलर की ये लगा रही थी पाइपिंग। ये देखें इस तरह बनकर तैयार हो गया। और बीच में ही मैं देख रही थी इसके ऊपर कौन सी वाली जॉइंट लेस लगाऊं, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था और ये बनकर मेरी तैयार हो गई थी। ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हो गया था। ग्रीन वाली बहुत ही ज़्यादा बारीक लग रही थी इसलिए मैंने पिंक वाली ही लगाई थी और ये बहुत अच्छी लग रही थी बनकर। देन मैंने एक और कपड़ा लिया, उसके ऊपर मैंने जो है ना बुकरम को पेस्ट कर दिया है इस आयरन की मदद से। उसको मैंने दोनों फैब्रिक के ऊपर कर दिया था, बैक वाले की भी और फ्रंट वाले की भी। देन ये इस तरह मैंने फोल्ड कर दिया। बीच में मैंने जो आयरन वाला था, वो जो आयरन किया हुआ था बुकरम वाला, वो मैंने लगाया। देन इसको मैंने रख कर दोनों को, ये जो आगे वाला भी था और बैक साइड वाला भी था, दोनों को मैंने इस तरह जॉइंट करके स्टिच कर देना है। ये मैंने तीन तीन फैब्रिक लिए थे ताकि ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना, ये बिल्कुल थोड़ा सा खूबसूरत लगे और इसकी फिनिशिंग भी बहुत प्यारी आई है। देखिए कितने सारे फैब्रिक। एक और फैब्रिक मैंने लिया था जो अंदर की तरफ से था, जिसके अंदर से सिलाइयाँ नज़र नहीं आए, तो इस तरह मैंने चारों तरफ से ये पिंस लगा दी थी। ठीक है, पिंस लगाने के बाद इसको हम लोग पिंस लगाने के बाद मैंने देखा इसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत आ रही थी। देन मैंने इसके ऊपर इस तरह ज़िप रख कर लगानी थी, फिर इसके ऊपर मैंने इस तरह दोनों तरफ लगा के पिंस लगा ली थी ताकि आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो और लगाने में बहुत ईजी। और यहाँ पर ये चींटी का भी दिल कर रहा था कि मैं वीडियो में आऊँ, तो ये भी आ गई थी। खैर फिर हम लोगों ने इस तरह लगा दी थी। देन इसके बाद हम लोगों ने ज़िप लगा देनी थी, इस तरह स्टिच करनी थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना हमारी ये तैयार हो गई थी इस तरह। देखें कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हो गई ज़िप लग कर। ये ऐसे ही इतनी खूबसूरत लग रही थी, सोचो बनकर कितनी खूबसूरत लगेगी। और इसका जो फैब्रिक का डिज़ाइन था बहुत प्यारा था और ये जो बीच में डिज़ाइन किया गया था वो भी बहुत प्यारा था। ज़िप लगाने के बाद जो है ना मैंने साइड की सिलाई भी लगा दी थी और ये कुछ इस तरह से लग रहा था बनने के बाद। ये इसका फाइनल लुक हो गया था, ये बहुत ही इजीली से स्टिच हो गई थी। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा ट्यूटोरियल भी दूंगी, ये मैं बहुत जल्दी में थी तो इसलिए मैंने फुल ट्यूटोरियल नहीं दिया, मैंने जल्दी जल्दी में बनाई है। तो कुछ कुछ क्लिप्स मैं इसके कैप्चर कर सकी थी, कुछ नहीं कर सकी थी। जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने कैप्चर किए आप लोगों के लिए ताकि ईजीली आपको समझ में आ जाए और आप लोग भी बना सकें। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा बनकर तैयार हो गया था और साइड से भी क्लिप टाइप बना दिया था। ये भी फैब्रिक का बनाकर आपने इसको सीधा कर लेना है, देन इसके अंदर इस तरह स्टिच कर लेना है। और ये देखें कितना खूबसूरत सा बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आप लोग भी घर पर इस तरह पाउच ज्योमेट्री बॉक्स बना सकते हैं और ये बहुत ही प्यारा बनकर तैयार होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।